नमस्ते। आई होप इज हैविंग अ गुड टाइम। इतने अच्छे अच्छे स्पीक आर्टिस्ट, एवरीबडी इज हियर फॉर यू गाइज, एंड आई होप आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाए, बिकॉज दैट्स वॉट वी स्पीक अबाउट। इट्स ऑफ नो यूज टू जस्ट कम हियर, सिट, लिसन एंड देन गो होम एंड फॉरगेट एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स वॉट वी डू इन ऑल द सेशंस। पर इससे अच्छा हम घर पे बैठकर कुछ काम कर सकते हैं, अगर सिर्फ सुन के घर जाके भूल जाना है। इट्स बेटर है इफ यू कुड जस्ट टेक वन थिंग, वन लेसन जो आपको अच्छा लगे किसी भी स्पीकर से, बट कोई एक चीज जो आज आप यहां से ले जा सके। एंड थैंक यू सो मच न्यूज 18 लाइंस फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी। द नेम श्री शक्ति, और शायद मुझे इस नाम से ही एक टॉपिक मिल गया अपने सेशन को शुरू करने का, कि जब हम चेंज की बात करते हैं, हम मर्दों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये चेंज लेकर आए, वो चेंज लेकर आए, वो अपने आप को इस तरीके से बेटर करे, ये चेंज सोसाइटी लेकर। बट आई वुड रादर से, अगर एक औरत चाहती है कि कोई बदलाव आए, सबसे पहले उसके आसपास की औरतों में वो बदलाव आना चाहिए। अगर आप ही अपने वाले लोगों को नहीं समझेंगे, आई डोंट थिंक आप किसी और को समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मर्द हैं, हम उनसे ये कह सकते हैं कि वो हमें समझने की कोशिश करें, पर वो हमें समझ नहीं सकते। दैट्स जस्ट द फैक्ट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। द मेन रीजन, वो कोशिश कर सकते हैं पर वो लाइफ वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा कहते हैं जब कोई पेन में होता है कि जिसको तकलीफ हो रही है वो ही समझता है, करेक्ट? क्योंकि वो पेन वो ही महसूस कर रहा है। बाकी सब समझने की कोशिश कर सकते हैं पर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो एक औरत किस चीजों से, किस प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल्स का सामना करती है, ये सिर्फ एक औरत ही एक्सपीरियंस कर सकती है। और अगर वो ही नहीं समझेगी तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर वो ही एक औरत को मना करेगी चीजों के लिए, रोकेगी चीजों के लिए, ब्लेम करेगी चीजों के लिए, सो आप बाकी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और सबसे बड़ी बात, जब हमें ये बोल के कॉम्प्लीमेंट किया जाता है कि आप बाकी औरतों से नहीं है, यू आर डिफरेंट, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एंड इट्स हाई टाइम वी अंडरस्टैंड दैट, कि वो आपको आगे रख के बाकी सारी औरतों को पीछे रख रहे हैं और हम इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सच्ची में इक्वालिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसमें सबको आगे ले जाने की बात हो रही है, सिर्फ खुद को नहीं, तब फिर इक्वालिटी की बात ही नहीं है। जब आप सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं तब वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप अपने जैसे सबको साथ आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, उस दिन एक्चुअल एम्पावरमेंट आता है। तो सबसे पहली चीज कि आप अपने साथ आपके जैसे ही प्रॉब्लम्स जो बाकी फेस कर रहे हैं उनको भी साथ लेकर आइए। जब हर वक्त एक औरत औरत साथ है तो उस वक्त कैट फाइट्स होंगी, प्रॉब्लम्स होगा, गॉसिप होंगे, यही माना जाता है। इस चीज को चेंज करिए। इवन इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विथ योर कलीग्स, वो प्रॉब्लम आपके और उनके बीच की बात है, सबके बीच के गॉसिप बनने की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कईयों को देखा होगा जब हम कहते ना, यार हमारी प्रॉब्लम है, हम संभाल लेंगे। जब एक बाहरी फोर्स एक औरत औरत को लड़ाने की कोशिश करे, प्लीज से ये हमारी प्रॉब्लम है, हम संभाल लेंगे, आई थिंक उस दिन आप चेंज लेकर आ सकते हैं। और ये हमारी ही प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी तो कोई समझ नहीं सकता। दूसरा, सक्सेसफुल औरतें सबको अच्छी लगती है। यस और नो? जब आप सक्सेसफुल है ना, एवरीबडी इज क्लैपिंग फॉर यू। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग। मेरे पेरेंट्स को हर वक्त ये कहा गया कि लड़की है इतना नहीं घुमाते, वरना एक दिन नाम खराब हो जाएगा। उन्होंने रोका नहीं मुझे,
उन्होंने बस एक क्वेश्चन किया, दिस मेक्स यू हैप्पी? आई एम लाइक यस. दिस इज व्हाट यू वांट टू डू? आई एम लाइक यस. देन वी आर विथ यू. दैट वाज ऑल. उसके बाद आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा कोई भी कॉन्वर्सेशन हुआ लड़की होने की वजह से. बाकी सारे कॉन्वर्सेशन स्ट्रगल को लेकर थे, काम को लेकर थे, पर क्योंकि मैं एक लड़की हूं मेरा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ. उन्होंने बस इतना पूछा, अगर तुम्हें पसंद है, करना है, हम साथ हैं. पर बाकी किसी को ये चीज पसंद नहीं आई. सबको प्रॉब्लम्स थी. और जो मेरा पहला पॉइंट है, औरतों को ही प्रॉब्लम थी. और ये स्ट्रगल के बाद तो छोड़िए, फ्यू मंथ्स बैक वी हैव सम ऑर्गेनाइजेशंस जो स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं, रिलीजियस वे में काम कर रहे हैं, स्क्रिप्चर्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं. सो इन माय फील्ड देयर इज अ सेइंग कि औरतों को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए. व्यासपीठ इज अ प्लेस वेयर आई डू माय स्पिरिचुअल सेशंस. एक और कनेक्शन अगर मैं बताना चाहूं तो स्क्रिप्चर्स की जो रचनाकार है वेद व्यास जी, उनकी सीट मानी गई है ये. तो जो भी स्क्रिप्चर्स पे बात करते हैं वो व्यासपीठ पर बैठते हैं. एक ऐसा प्लेस जिसको द अल्टीमेट कहा गया है कि अगर आप वहां पहुंच गए सो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग. पर औरतों को अलाउड नहीं है. आई वॉज वेरी सैड. आई वॉज लाइक ऐसा क्यों है, मुझे एक रीजन चाहिए. काफी पढ़ा, नहीं मिला. पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का जब सामना हुआ तो मैंने अपना नाम नहीं बताया, अलग नाम से मैंने उन्हें मैसेज किया. और मेरे सामने औरतें ही हैं जो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने उनको मैसेज किया दैट यू हैव रेड ऑल द स्क्रिप्चर्स. रिप्लाई वाज यस. क्या आप मुझे कोई भी श्लोक बता सकते हैं, कोई भी स्त्रोत्र बता सकते हैं, कहीं भी लिखा है जहां पे ये बताया गया हो कि औरतें व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती? शी वॉज लाइक नो, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, पर खुद का दिमाग होना चाहिए. आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन? बोले अब औरतें थोड़ी दुनिया को बताएंगी क्या करना है और क्या नहीं. ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर के बच्चों को सिखा सकते हो, पर पूरी दुनिया को थोड़ी बताओगे. और उस दिन मुझे समझ आया कि जब तक औरतें ही पीछे नहीं खड़ी होंगी तब तक औरत सफल नहीं हो सकती. वहां मैं क्या दूसरों को बोलूं कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है और क्या नहीं, जब मेरे अगेंस्ट मेरे जैसी ही कोई खड़ी है जो स्पिरिचुअल काम ही कर रही है. बट फिर भी जैसा मैंने कहा, सक्सेसफुल औरतें सबको अच्छी लगती है. आज हम जब बाहर जाते हैं लोग अपनी अपनी बेटियों को लेकर आते हैं कि आप इनसे कुछ सीखिए, ये आपके एज की है, शी इज डूइंग सच अ ग्रेट वर्क. और मैं उनसे कहती हूं मुझसे सीखने से पहले आप मेरे पेरेंट्स से सीखिए. क्योंकि हर घर में आपको एक बड़ा नाम मिल जाएगा अगर आप उसको काम करने देंगे, जो वो चाहती है वो करने देंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, rather than just saying कि अब एज हो गई है शादी कर देते हैं. क्योंकि ये सुनने को मेरे पेरेंट्स को भी बहुत मिला था कि अब तो सब हो गया ना, अब और क्या चाहिए, अब सेटल हो जाओ. सी आई लव मैरिज, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू हैव किड्स, पर जब मेरा मन हो. नॉट बिकॉज कि दुनिया मुझे कह रही है कि अब सब कुछ जितना करना था उतना कर लिया, अब ये करना है. जब वो मुझे कहेंगी तब नहीं, क्योंकि यही तो हमेशा से होता आया है. अब ये कर लो, अब ये करने का टाइम हो गया, अब पढ़ने का टाइम हो गया, अब स्कूल से निकलने का टाइम हो गया, अब शादी का टाइम हो गया, अब बच्चे का टाइम हो गया. और मुझे लगता है कि हम इंसान हैं कि रोबोट्स, कि मशीन, कि ऑन करने का टाइम हो गया, बंद करने का टाइम हो गया, चार्ज करने का टाइम हो गया. ये टाइम हम भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना. चलिए पहले आपके पास कई ऑप्शंस नहीं थे चीजों के, तो आपको बोला जा सकता था कि इस रीजन से हम कहते थे, अब तो रीजन खत्म हो गया. पर शायद हम भूल रहे हैं, रूल्स हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बनाए जाते हैं, हमें बॉक्स में बांधने के लिए नहीं. जो रूल आपको बॉक्स में बांधना शुरू कर दे, इट्स हाई टाइम आप उसको हटा दें.
आप उसको चेंज कर दे। और ये मैं स्पेशली यहां जितनी मदर्स बैठी है उनको कहूंगी, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ नेचुरली कर भी लिया, शायद पता भी नहीं चला कितनी चीजें गलत थी, कितने चीजें हमें रोकने का काम कर रही थी। पर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, स्पेशली जिनकी डॉटर्स है, कि जो सैक्रिफाइसेस आपने अपने लाइफ में किए, जो चीजें आपने छोड़ी, जो चीजें का सामना आपने किया, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटियां वो करें? नहीं, मुझे इससे ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि वो सारी चीजें गलत थी, क्योंकि जब लोग डिफेंड करने की कोशिश करते कि नहीं वो गलत नहीं था, वो इस रीजन से था, वो उस रीजन से था, इतना अच्छा होता तो आप अपने बच्चों के लिए वो चाहते, वो नहीं था इसीलिए आप नहीं चाहते हो। तो आपको सबसे पहले उन सारी चीजों से छुटकारा पाना होगा। सेकंड, हर चीज के लिए अपने आप के बारे में सोचने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सपनों के लिए गिल्टी फील करना बंद करिए। आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक मैंने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर देखी थी और मुझे शायद वो पिक्चर ही बता रही थी कि सोसाइटी कितनी गलत जा रही है। द पिक्चर वॉज, एक मदर है, वो किचन में रोटी बना रही है और साथ ही में उनके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, शोइंग दैट शी इज नॉट वेल, बट शी इज मेकिंग दोज रोटीज एंड द पिक्चर वॉज सेइंग, माँ ऐसी होती है, सेइंग कि इतनी सेल्फलेस है, अनकंडीशनल लव है, एंड आई सो वॉन्टेड टू राइट, तो फिर बच्चे कैसे होते हैं जो ये होने दे रहे हैं? पर हमने हमेशा से मदर की, वाइफ की, सिस्टर की, डॉटर की इमेज इतनी सेल्फलेस बना दी है, इतनी गिविंग बना दी है कि जो अपने सपने छोड़ देगी, अपने सपने सैक्रिफाइस कर देगी, अपनी खुशी खत्म कर देगी, ये औरत होती है। नहीं, ये सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो ये सब करने के बाद घर में दिन भर चिड़चिड़ करता रहता है और फिर हस्बैंड्स और बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मॉम दिन भर इरिटेट करती है। कोई उनको ये नहीं बता रहा कि उसने अपना सब कुछ खत्म करके आपको अपनी लाइफ दे दी है, जो उन्हें लग रहा है कि सही हो चुका है, पर उनको नहीं पता इस चीज ने उनके अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट किया है और जो हर वक्त अब वो दूसरों पर निकल रहा है बिना जाने बिना समझे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप अपना काम करें, आप अपने बारे में सोचे, अपने सपनों के बारे में सोचे, अपनी खुशी के बारे में सोचे, सो दैट आप अपने बच्चों को सिखा सके कि ये नॉर्मल है, ये भी मां होना ही है। सो जिस दिन वो मां बने, वो भी अपने बच्चों के लिए यही लेसन्स लाए। यस और नो? जब हमें गलत सहता हुआ वो देखते हैं, वो समझते हैं कि ये सही है। इसलिए कई बेटों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरी मां को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी मॉम ने तो बड़े अच्छे से सब कुछ कर लिया था। आपको कैसे पता अच्छे से कर लिया था? जस्ट बिकॉज उसने बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गलत नहीं था। आज यही तो प्रॉब्लम है ना, पहले औरतें बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी है तो लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम अभी आई है क्या? नहीं, प्रॉब्लम पहले से थी, पहले बोलने की आजादी नहीं थी। और कई बार जब लोग कहते हैं कि जब औरतें आगे बढ़ गई है तो रिश्ते खत्म हो गए हैं, आई ऑलवेज से दिस, इसका मतलब रिश्तों की डोर हमारे ही हाथ में थी, हमने थोड़ा सा ढीला क्या छोड़ा। तो मतलब जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे थे, अपनी फीलिंग्स डिस्कस नहीं कर रहे थे, तब तक सब सही था। इसको एम्पावरमेंट नहीं कहते। आज जब दुनिया मुझसे कहती है कि बहुत चेंज आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, बहुत बहुत चेंज आ चुका है। आज अधिकतर घर चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे बहुत नाम कमाएं, पैसा कमाएं, चांद पर जाएं, स्पेशली गर्ल्स, पर बस जाने से पहले चार पराठा दो चाय बना के जाए।
दिस इज नॉट चेंज. सो आई जस्ट एंड माय सेशन हियर कि सबसे पहली चीज औरत औरत की दुश्मन है. ये फ्रेज जिस दिन खत्म होगा उसी दिन असली एम्पावरमेंट शुरू होगा. थैंक यू सो मच.